विधानसभा में 9 जून को हुई घटना के चलते अल्पसंख्यक समुदाय के जमात इस्लामी हिंद के जिलाध्यक्ष अब्दुल्ला फारूक ने अपने सहयोगियों के साथ दौरा किया। गांव में अधिक लोगों के घरों में ताले लटके मिले और गलियां सुनसान दिखाई दी। उन्होंने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा है कि इस घटना की निंदा करते हैं जो विगत दिन दलित बस्ती में हुआ, लेकिन इस संबंध में जिन बेकसूर लोगों को फंसाया गया वो बड़े दुख की बात है। दोषियों के पक्ष में हम नहीं है, लेकिन निर्दोषों के ऊपर लगी संगीन धाराओं से मुक्त कराना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इस घटना के चलते निर्दोष बूढ़े बच्चे जवान जो संगीन धाराओं के चलते पकड़े जाने की वजह से उनके परिवार के लोग डर के कारण कहीं और शरण ले रखी है, उसी समस्या को सामान्य करने के लिए हम लोग इस गांव का दौरा कर सामान्य स्थिति गांव में कायम रहे जिसका हम प्रयास कर रहे हैं। सर आपका नाम? जलालुद्दीन सरूर। किस ताल्लुक रखते हैं? मैं जमात इस्लामी हिंद की यूपी के मजलिस शूरा का मेंबर। किस संबंध में इस गांव का निरीक्षण करने आ पाए? मैं इस गांव में जो वाकया 9 जून को हुआ है सुनने के बाद बहुत फिक्रमंद था और यहां आना चाहता था कि एक गांव में रहने वालों को इस तरह से नहीं रहना चाहिए। जो वाकया हुआ है बहुत दर्दनाक है, बहुत अफसोसनाक। क्या पाया आपने यहाँ? मैं अभी आया हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि फिर अच्छे हालात यहाँ पैदा हों और ये बिगाड़ बढ़ने ना पाए। प्रशासन इंसाफ के साथ काम करे, किसी के साथ कोई ज्यादती ना होने पाए। आपका संगठन क्या चाहता है? हमारी संगठन वही चाहते हैं जो हम इस वक्त बोल रहे हैं। जी ओके। सर क्या नाम है? मोहम्मद खालिद एडवोकेट। सर आपने किस संबंध में यहाँ भदेठी गांव में आए? भदेठी इस पर्पज़ से हम लोग आए हैं कि थोड़ा सा यहाँ के हालात को हम लोग देखना चाहते थे और जो लोग परेशान है इधर उधर हैं तो उनको इत्मीनान दिला दिया कि भाई आप लोग को प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन का आप सहयोग करिए, प्रशासन आपका सहयोग करेगा। आप लोग जो है यहाँ, आपने क्या पाया और क्या सुझाव देना चाहते हैं यहाँ के लोगों? सुझाव यही कि यहाँ लोग हैं जो लोग मूल्य में वो लोग गाँव छोड़ करा रहे हैं अपना यहाँ से, जो लोग और लोग हैं वो अपने घर में हैं। वही उनको इतना दिला गया कि आप लोग अपने घर पर रहिए, बच्चों के परिवार के साथ रहिए। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से यही मांग है कि जो लोग दोषी हैं उनको भाई जो आपको कानूनी प्रक्रिया हो सकती है उनके साथ अपनाइए, लेकिन जो लोग निर्दोष हैं उनको ज़्यादा परेशान न किया जाए या उनकी जो मदद हो सकती है कानूनी तरीके से। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुल्तान अहमद की रिपोर्ट, जौनपुर। फरुखाबाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू की रिहाई की मांग को लेकर गांधीवादी तरीके से टाउन हॉल पर कांग्रेस नेताओं ने आज प्रशासन की खौफ से ऊपर उठकर मौन प्रतिवाद कर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष मऊ दरवाजा से तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी भी दी, लेकिन कांग्रेस ही हिले नहीं। दो घंटे का प्रदर्शन करने के बाद मौके से उठे प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई की मांग को लेकर गांधीवादी तरीके से मौन प्रतिवाद कर धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस नेताओं ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विरोध दर्ज कराया। कहा कि जब तक प्रदेश अध्यक्ष रिहा नहीं होंगे तब तक कांग्रेस अपनी बात को जन जन तक पहुँचाएगी। चल रहा है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू जी को उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार जो है वो रिहा नहीं होने दे रही है, कहीं ना कहीं व्यवधान डाल रही है। कल उनकी जमानत होनी थी और जो सरकार की तरफ से वकील थे उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए है। तो मैं इस विषय पे उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज 25 दिन होने जा रहे हैं तो उन्हें कितना समय चाहिए। कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष की भावना से उत्तर प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि हमें प्रवासी मजदूरों की गरीबों की मदद करनी है और कहीं ना कहीं पूरे लॉकडाउन के दौरान पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ लोगों की मदद हुई है, 10 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर भिजवाया गया है, ये सब कांग्रेस की देन है। और इससे घबरा के केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस जो गरीबों की मदद कर रही है उसको रोकने का प्रयास किया है। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। यदि अजय कुमार लल्लू जी को आपने जेल में डाल दिया है तो पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों अजय कुमार लल्लू जी होंगे जो जेल में जाने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, कहीं ना कहीं ये सरकार मजदूर विरोधी है और कहीं ना कहीं ये सरकार गरीब विरोधी है। हम गरीब के साथ हैं, हम गरीब को न्याय दिलाएंगे, हम गरीब की हर दुख में उसके साथ खड़े होंगे। कब से कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? ये धरना प्रदर्शन हमारा आज शाम 4 बजे तक चलेगा, 1 दिन का धरना प्रदर्शन है।
हमारी अभी 6 तारीख से 12 तारीख तक महारसोई भी जिला कांग्रेस कार्यालय पर चली थी। आगे जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसका पूर्णता पालन किया जाए। अगर रिहाई नहीं होती आगे फिर आप क्या करोगे? हाँ, अगर रिहाई नहीं होती है तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यदि वो ये कहते हैं कि गिरफ्तारी देनी है, आंदोलन करना है, तो जिला कांग्रेस कमेटी जनपद फरुखाबाद में थाना प्रभारी निरीक्षक मऊ दरवाजा जेपी शर्मा से जिलाध्यक्ष की नोकझोंक भी हुई, लेकिन इस दौरान कौशलेंद्र सिंह यादव, देवाशीष तिवारी, शुभम तिवारी, अभय यादव, कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, फरुखाबाद। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेज देने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उनके सम्मान में गांधीवादी तरीके से एक दूसरे मौन प्रतिवाद का आयोजन करने का आह्वान किया था। बरेली में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गांधी प्रतिमा पर एक दिवसीय मौन प्रतिवाद का आयोजन किया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शाहबाज सिद्दीकी की रिपोर्ट, बरेली। चंदौली पुलिस ने एक शातिर पशु तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में तस्कर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस अभी पर विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। आपको बता दें ये मामला जनपद की चकिया कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गौवंश लदी पिकअप गाड़ी बिहार जा रही है। मामले में कार्रवाई करते हुए चकिया पुलिस ने पिकअप का पीछा किया। वहीं पिकअप ड्राइवर अपने आप को घिरता देख पुलिस पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया, पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें पिकअप ड्राइवर की दाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने बताया कि उक्त तस्कर उपचार से जिला चिकित्सालय चकिया में कराया जा रहा है। अभियुक्त के पास से अवैध असलाह भी बरामद हुआ है। सुयोजित रूप से क्या कहते हैं इंतजार कर रहे थे, तो आज सवेरे 3:50 के करीब क्या कहते हैं गाड़ी थी वो थाना क्षेत्र से पास हो रही थी, तो उसका पीछा करते हुए इन लोगों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, तो जो चालक था गाड़ी रुक के फिर उसके बाद पुलिस पे हमला किया है, अपने सट्टे से फायर किया है, और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उस पर फायर हुआ है और उसको पैर में गोली लगी है जी। और उसको अस्पताल ले जाया गया है, तो पता लगा है कि थोड़ी देर से अभी तक बातचीत हुई है, तो उसे 3-4 बार वो लगातार क्या कहते हैं यहाँ से बिहार की तरफ पशु ले जाता है जी। और अभी हम पता कर रहे हैं इसका और तथा गौवंश पशु बरामद हुए हैं, जिसे मुक्त कराया गया है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रवीण कुमार केसरी की रिपोर्ट, चंदौली।